वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। पंजाब में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री और 2 कांग्रेस विधायकों समेत 2 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। जलंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगुराल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग भविष्य में कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। मीत हेयर जहां मंत्री से सांसद बन चुके हैं, अब उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। वहीं पार्टी चुनाव हारने वाले 4 मंत्रियों के भविष्य पर भी विचार कर सकती है। आपको बताएं, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में 5 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसमें संगरूर लोकसभा क्षेत्र से मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर, कांग्रेस के सुखपाल सिंह खेरा से 1,72,360 वोटों के अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। आपको बताएं, गुरमीत सिंह मीथियर फिलहाल बरनाला से विधायक हैं, लेकिन लोकसभा में जीत के बाद अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उनकी सीट खाली हो चुकी है और अब बरनाला सीट पर उपचुनाव होगा। इसी तरह कांग्रेस विधायक का पद छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राजकुमार चबेवाल होशियारपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की यामिनी गोमर को 44,111 वोटों से हराया है। इसके साथ चबेवाल सीट भी खाली हो चुकी है और यहां उपचुनाव होना है। वहीं श्री मुक्सर साहिब के जिले गिदड़भा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह पिट्टू को 20,942 वोटों से हराया है। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से चुनाव जीते हैं। उन्होंने दिनेश बब्बू को 82,861 वोटों से हराया है। ऐसे में उनका चुनाव डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट पर होना है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले जलंधर से विधायक शीतल अंगुराल ने भी इस्तीफा दे दिया। अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में इस सीट पर भी चुनाव होगा। अब तक मौजूदा सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि जनवरी से पंजाब में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 5 नगर निगमों के भी चुनाव हैं। इसमें अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जलंधर और फगवाड़ा शामिल हैं। मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इससे सरकार की टेंशन फिलहाल बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि शहरी इलाकों में कांग्रेस और बीजेपी ने पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। आपको बताएं, पंजाब में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत अब बढ़कर 18.56 हो गया है, जबकि आम आदमी पार्टी 26.2% और कांग्रेस 26.30% हो गई है। अब आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री 2 सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जो सीट खाली हुई है, वहां उपचुनाव होना लाजमी है। आपको बताएं, पंजाब की अब ऐसी 5 सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा। अब ये लोकसभा चुनाव इन उपचुनावों का कैसे समीकरण बदलते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस उपचुनावों ने आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।